गुड आफ्टरनून बसीन साहब, मार्केट में तो लगातार गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन है, पहले भी था अभी भी है। बताइए सर, कौन से स्टॉक्स है जिन पे नजर रखनी है? हाँ, गुड आफ्टरनून। पहले आपको बताऊं, कल भी इस समय नेहा आई थी और 16,000 से मैंने कहा था बाउंस आएगा 16,200। तो डोंट बी सरप्राइज, इतनी ओवरसोल्ड मार्केट है कि यहाँ से 200 पॉइंट का आपको बाउंस दिख जाए इजिली, क्योंकि आई थिंक ऑल ग्लोबल नेगेटिविटीज है और आज कैपिचुलेशन हो गई। आज जिसने जो बेचना था बेच दिया है। यहाँ से मार्केट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टर्न लेगी, मे बी इन द सेकेंड हाफ और डेफिनेटली फ्रॉम टुमारो एंड फ्राइडे ऑनवर्ड्स मार्केट शुड बी रिज्यूमिंग देयर अप ट्रेंड। तीन बायस हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। तो डेफिनेटली सर, बताइए। देखिए, सबसे पहले लीजिए BEL। कल मैंने 17 रुपए में कहा था, आज मैं रीइटरेट करता हूं, 21.5-22 में लीजिए। BEL के नंबर्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आएंगे। दिस इज द बेस्ट प्ले ऑन डिफेंस और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर में भी, BEL इज अ नो ब्रेनर। 21.28-21 में लीजिए। आज आपको मैं बोलता हूं 17 का स्टॉप लॉस और 32 से 34 का टारगेट, जिसके लिए बिग आउट परफॉर्मर। दूसरा DLF, DLF के नंबर आने हैं, आपको बताऊं सबसे अच्छे नंबर आएंगे इस क्वार्टर में। रियल एस्टेट, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों में इतने ब्लॉकबस्टर सेल्स है मैं बता नहीं सकता। 320 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 314, टारगेट ऑफ 345। और तीसरा M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस इज वन ऑफ द बेस्ट NBFC, जिसने बहुत अच्छे क्वार्टरली नंबर दिए और जैसे जैसे उनकी बुक ग्रो कर रही है, MSME बुक कम हो रही है, कोलैटरल लेंडिंग बढ़ रही है। 162.63 में लीजिए, 157 का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट। ओके, तो BEL, DLF और M&M फाइनेंस, ये तीन स्टॉक्स है जहां पे आपको खरीदारी की सलाह भसीन साहब दे रहे हैं। यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। शुक्रिया भसीन साहब आज इस शो में जुड़ने के लिए और हमें ये पिक्स देने के लिए। इनफैक्ट DLF तो आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले केलकर साहब भी देखे गए हैं 325 का, उन्होंने भी कॉल ऑप्शन खरीदने को कहा है। और देखिए कल नतीजे आने वाले हैं, जैसे कि भसीन साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे काफी बेहतरीन नतीजे आपको देखने मिल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है DLF पे तो आपको खास नजर रखनी ही है।